चलिए तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है हमारी 3.3 और क्वेश्चन है हमारा थर्ड का फिफ्थ पार्ट। चलिए तो कैसे करेंगे, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फाइंड है ना, उसे काट दो, पेंसिल से काटो फाइंड को और फाइंड की जगह लगाओ लेट। तो लिखना है लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। देखिए टू वेरिएबल्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए हैं। यहाँ पे आई हैव टेकन टू वेरिएबल्स, वन इज एक्स एंड द सेकेंड वन इज वाई। चॉइस आपके ऊपर है कि आप वाई ऊपर ले रहे हो, मैंने एक्स को ऊपर लिया है क्योंकि एक्स के बाद वाई आता है। ठीक है, आप क्वेश्चन में बोला है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 कब हो जाएगा, 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं इफ या फिर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11। तो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11, यही बोला है कि 9/11 बन जाएगा अगर आप 2 ऐड करेंगे। अब आप क्या करें, आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 11 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पूरे x प्लस 2 से, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 से। करिए सॉल्व, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब आप सबको एक तरफ इधर ले जाएं, ये हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y। आप एक काम कर सकते हैं, आप इधर भी लेके आ सकते हैं या फिर 22 को आप उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 18 और माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो एक फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप करेंगे दूसरे इक्वेशन के लिए। अब उसने कहा है कि अगर 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। चलिए अब करते हैं, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, यही कह रहा है। ठीक है, यही आपका फ्रैक्शन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। आप इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गई बेटा सेकेंड इक्वेशन। यहां से x की वैल्यू निकाल लें, तो x इज इक्वल टू माइनस सॉरी 9y प्लस 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, और इस वाली x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन की x में पुट कर दें। तो करिए, तो यहां पे आ जाएगा, इट बिकम 6, x की जगह पूरी वैल्यू आ जाएगी 9y माइनस 4 अपॉन 11 और माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। एलसीएम ले लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लें और एलसीएम भी ले लें, तो ये हो जाएगा 6 9 = 54y माइनस 6 4 = 24, और बेटा यहाँ पे 11 मैंने एलसीएम भी ले लिया है फटाफट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 क्या, 11 को भी इधर ले गई हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 33। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, तो प्लस का 24 और यहाँ पे आपका है, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 माइनस का 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू 9 आ गई, आप यहाँ पुट कर दें, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 अपॉन 11। ठीक है, तो आ जाएगा आपका आंसर 77/11 मीन्स 7। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9, तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका 7/9, सो योर फ्रैक्शन इज 7/9।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence. Hence का मतलब समझिए, hence का मतलब होता है लेटर, बाद में. ठीक है, चलिए. तो उसने बोला है 5 years later the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? What को काटिए, पेंसिल से what काटिए, what को काट के लिखिए let. लेट द प्रेजेंट, अब यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक बात हो रही है जैकब की और एक बात हो रही है जैकब के सन की. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब जो भी है जैकब, इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, और जैकब का जो सन है, जैकब सन, वो हो गई वाई ईयर्स. ठीक है, अब कंडीशंस बनाते हैं. अब कंडीशन में क्या है, 5 year hence. 5 year hence मतलब 5 साल बाद जो एज है जैकब की वो 3 times हो जाएगी अपने सन के एज की. तो आज से 5 years hence, ठीक है, 5 साल बाद. तो करिए 5 साल बाद जैकब कितने का हो जाएगा, जैकब्स एज x प्लस 5 years और जैकब्स सन एज y प्लस 5 years. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो जैकब की एज है मीन्स x प्लस 5 है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 3 times. किसके एज के, जैकब के सन के. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें. इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15. यहाँ आ जाएगा ये और ये चला जाएगा इधर, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. यहां से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10. चलिए अब करते हैं सेकेंड इक्वेशन फॉर्म. तो उसमें बोला है कि आज से 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो 7 times थी. तो आज से 5 साल पहले, 5 years ago, अगर हम पहले की बात करते हैं तो एज माइनस करनी पड़ेगी. तो जैकब्स एज एक्स माइनस 5 years और जैकब्स सन एज वाई माइनस 5 years. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब की जो एज है एक्स माइनस 5 वो कितनी हो जाएगी, 7 times द एज ऑफ जैकब्स सन. चलिए सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35. तो x इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये दर जाएगा तो ये जाएगा माइनस 30. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब आप सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू है वो किस में पुट कर दें, सेकेंड में. तो यहां पे पुट करेंगे इसको तो x की जगह क्या आ जाएगा, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. सॉल्व करें, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे माइनस 7y है, तो माइनस 4y. ये प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस 40. माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स मीन 10. दैट्स मीन y की वैल्यू आ गई 10. अब आप यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40. दैट्स मीन जैकब की जो एज है वो है 40 years प्रेजेंट एज, और उसके बेटे की जो है वो है 10 years. यूज थर्ड मैथड, दैट इज द एलिमिनेशन मैथड, या फिर जिसे हम इक्वेटिंग कोफिशियंट मैथड के नाम से जानते हैं, एलिमिनेशन या फिर इक्वेटिंग कोफिशियंट. ठीक है, ये थर्ड मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं, मेथड थर्ड फॉर फाइंडिंग या फिर फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. चलिए तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं आपको सीधा एग्जांपल कराती हूँ, एग्जांपल नंबर 12, पेज नंबर 55.
एग्जाम्पल नंबर 12. चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 में लिखा है यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x plus 6y इज इक्वल टू 7. ठीक है, चलिए तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है. अब आपके ऊपर है कि आप कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो. अगर मान लीजिए इफ आई हैव सिलेक्टेड एक्स वेरिएबल फॉर द एलिमिनेशन, अगर मैं एक्स वेरिएबल को एलिमिनेशन के लिए सिलेक्ट करूंगी तो आपको क्या करना है, जो उसके कोफिशियंट्स हैं जो 2 और 4 है, आप 2 और 4 का एलसीएम निकाल लें. मीन्स 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से. तो आप जानते हैं अगर 4 है तो 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, अब इसको 4 बनाना है. तो इस पूरी इक्वेशन को, पूरी यहां से लेके यहां तक, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से. तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2. तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x plus 3y इज इक्वल टू 8. ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से. चलिए करिए तो ये हो जाएगा 4x plus 6y इज इक्वल टू 16. ठीक है, अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई, ये दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, नाउ इट्स बिकम योर थर्ड इक्वेशन. अब आप क्या काम करेंगे, जो आपकी थर्ड और जो सेकेंड है, नॉट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट को चेंज करके आपने थर्ड में कन्वर्ट कर लिया है. अब आप क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है उस सेकेंड इक्वेशन को उसके नीचे लिख देंगे. ठीक है, अब आपको देखना है क्या, अगर दोनों का साइन सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सिर्फ एक्स को देखना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आप क्या काम करेंगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को किससे सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 3, सेकेंड को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 3 से, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है, जैसे फ्रॉम के बाद 3 लिखा है तो 3 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे. ठीक है, चलिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस. चलिए सॉल्व करिए, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, आपका एलिमिनेट ही कर दिया आपने. अब आप देखिए ये भी प्लस का 6y है, ये भी माइनस का क्या है 6y, ये भी कट गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 7 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9, ओनली 9. तो अब आप मुझे बताएं कि अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ 9 आ रहा है, सिर्फ 9, तो इसका मतलब दिस या फिर दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब देखो 9 इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, 9 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अगर 9 क्या 0 के बराबर हो सकता है, नो, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है ना, इसका मतलब दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है. क्लियर? यस मैम. स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, कर सकते हैं ट्राई? यस मैम. चलिए तो सबसे पहला काम क्या होगा, एलिमिनेशन करने का. तो एलिमिनेशन करने के लिए हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें. मान लीजिए हम एक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम 2x plus y इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो ये बन जाएगी 2x plus. मैम आप बीच में लाइट बंद कर सकते हो, नहीं देख रहा. अच्छा, अब दिख रहा बेटा? यस मैम. बेटा तो ये हो गया 2x plus 2y इज इक्वल टू 10. ठीक है, ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई है. अब ये इक्वेशन थी 1,
ये इक्वेशन थी टू और ये हो गई थ्री। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट को तो रहने दीजिए क्योंकि फर्स्ट को आपने थर्ड में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए, 2x-3y = 4, ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, आपको इसका नहीं देखना, सिर्फ इसका देखना है। तो आप क्या काम करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सेकेंड को फ्रॉम थ्री, सेकेंड फ्रॉम, ये बेटा सब कुछ लिखना जरूरी है। ये हो गया प्लस, साइन चेंज हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ठीक है, चलिए काट दीजिए। अब यहाँ पे प्लस का 2y है और यहाँ पे प्लस का 3y है, तो ये हो जाएगा 5y = यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -4 है, तो हो गया 6, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 6/5, तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू, ठीक है। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो आप, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। मैं फर्स्ट में ही पुट करूंगी, मैंने फर्स्ट में पुट करूंगी तो एक्स प्लस वाई की जगह आ जाएगा 6/5 = 5। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, तो ये जगह 5/1 - 6/5, 5 इज द एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 25 - 6, तो आप x की वैल्यू निकालो, 25 - 6 मीन्स 19/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। देखिए, एक जो यहाँ पे है एलिमिनेशन में क्या होता है, आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को लेके आते हैं, उसके बाद आपका काम होता है सब्स्टिट्यूशन का। आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में। मेरी कोशिश रहेगी मैं हमेशा फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में जाके जहाँ पे वाई नजर आ रहा है वहां पे वाई की वैल्यू रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। Yes, यथार्थ बेटा, आगे समझ। Yes, बेटा आंसर भी एक बार चेक कर लो, ये आंसर ऐसे ही आ रहे हैं या कुछ और है? सही है, ठीक है, चलिए अब फटाफट करें सेकंड और थर्ड, जल्दी से काम निपटाएं फटाफट, फिर मैं कराऊंगी आपको एग्जांपल्स, फिर चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। सेकंड एंड थर्ड यू आर डूइंग, Still doing? Yes, चलो अच्छा ध्यान से करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, पर गलती नहीं होनी चाहिए बस। मैम। हाँ बेटा। मैम मैं ये सारा एलिमिनेशन मेथड से निकालना है ना? एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ आपको क्या करना होता है, पहला जैसे मान लो मैंने x को एलिमिनेट किया है तो मेरी y की वैल्यू आएगी, जब y की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी एक इक्वेशन में। मेरे पास तीन इक्वेशन है, 1, 2 और 3, पर वन आप कोशिश करें पहली इक्वेशन में ही पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज द पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द एलिमिनेशन। मींस एलिमिनेशन मेथड में प्रॉपरली एलिमिनेशन नहीं होता है, क्या होता है आधा एलिमिनेशन, मींस एक वेरिएबल जब आप हटा दोगे तो दूसरा आ जाएगा, और दूसरा जब आ जाएगा तो आप फर्स्ट को निकालने के लिए क्या करोगे, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। समझ में आई मेरी बात? मैम थोड़ा लंबा है ये। लंबा है, चलो एक बार देखते हैं, चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा क्वेश्चन ये सेकंड है, सबसे पहले मुझे एलिमिनेट करना है ये, तो मैं 3 और 2 का एलसीएम लूंगी, 6 आ जाएगा, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से करूंगी और इस पूरी इक्वेशन को 3 से करूंगी तो क्या आएगा आंसर, देखिए यह आ जाएगा 6x, यह आ जाएगा 8y, यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 6x, यह आ जाएगा 6y, यह आ जाएगा 6, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, सेम साइन है, तो आप ये इक्वेशन है आपकी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से, तो क्या आएगा देखिए जरा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, देखिए ये कट जाएगा,
यहाँ पे 8y है और यहाँ पे प्लस का 6y है, तो 8 और 6 14y इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 6 है तो आ जाएगा 14, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी 14/14 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो 3x इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है? Yes, ma'am. तो लंदी कहाँ था बेटा, कहाँ घूम फिर के आए हो आप लोग? हैं? मैम आंसर गलत था। आपका गलत है, मेरा? मैम मेरा। अच्छा, गार्गी? वाई तो आ गया था लेकिन एक्स नहीं आ रहा था। देखो वाई आ गया ना बेटा, जब वाई की वैल्यू आ गई तो आपको क्या करना है, ये वाई की वैल्यू उठा के पहली इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ लिख दो पुटिंग The value of y in equation 1. तो यहां पे जहां पे y है वहां पे 1 आ गया, बस। क्लियर? Yes, देखिए सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 3x माइनस 5y, इसको माइनस 4 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4। अब इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 9x ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y, 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन दिस एंड सेकंड इक्वेशन दिस। अब मैं क्या करूंगी, इसको इक्वेट करूंगी, तो यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, आपकी इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। चलिए करते हैं, ये कट गया, ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 2 है, तो हो जाएगा माइनस का 13y इज इक्वल टू, ये देखो प्लस का 12 है और ये माइनस का 7 है तो आ जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू 5/13 और माइनस आ जाएगा ऊपर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y आ गया। अब आप क्या काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। चलिए सॉल्व करिए, 3x माइनस माइनस प्लस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 13 एलसीएम ले लीजिए तो 13 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 52 माइनस 25 ये हो गया 3x, तो अब करिए 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ पे होगा 4 में से 2 जाएगा 2/13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27/13 इंटू 3, 3 के टेबल से 3 में 27 आता है तो आ गया 9, तो 9/13, वैल्यू ऑफ x इज 9/13 एंड वैल्यू ऑफ y इज -5/13। ये आ रहा है, तो yes, x सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी, आंसर यही आ रहा है, पीछे से चेक कर लिया आपने? yes, तो समझ yes, में आया कैसे करा है? देखो आप डर जाते हो फ्रैक्शन में देख के, फ्रैक्शन में देख के डरना क्यों है बेटा, कोई भूत थोड़ी ना आ गया, सिंपल है, जैसे जैसे हमारे सिंपल रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब ये एक तरीके से आप अगर 5 माइनस 5 होता तो कर लेते, पर माइनस 5/13 आ गया तो आपको सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है भाई, आपको y की जगह ये रखना है, सिंपल न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करो, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो, यहाँ ले जाओगे तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा,
वन और थ्री के 13 का एलसीएम 13 होगा, बस 1 × 13 इज इक्वल टू 13, तो 4 × 13 से हो जाएगी। अब तो ये सारा पार्ट तो बेटा आपका कैलकुलेशन का ही है, और है क्या कैलकुलेशन, तो है सिंपल, ठीक है। चलिए अब मैं वाइंड अप करती हूँ। तो आपको होमवर्क का आपका पता है, होमवर्क क्या है, होमवर्क मैंने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया होमवर्क। होमवर्क आपका है सिर्फ एक क्वेश्चन, होमवर्क है, होमवर्क करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको वर्कशीट दूंगी, वो आप करेंगे। पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको वर्कशीट देना शुरू करूंगी, ठीक है। आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, जैसे 4 कर लिए, 5 कर लिए, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। करोगे क्वेश्चन नंबर 4th, यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4th में पहले आप एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, उसके बाद 6 लेने के बाद इसको सॉल्व करोगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे ये फॉर्म होती है ना, इस फॉर्म में। उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। चलिए कल मिलते हैं, तो कल नहीं मंडे मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास मंडे है, और हम पहले हम साइंस करेंगे फिर मैथ्स। चलिए बेटा बाय।